ये हमारे पास नीलेश जी हैं, इस गाड़ी के ओनर। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने यही गाड़ी क्यों चूज़ की और ये कितना खुश हैं। अभी इस गाड़ी को 1 मंथ हो गया है, अभी नंबर प्लेट नहीं आई है, और कितने किलोमीटर चला दिए वो सब हम इनसे। तो गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है, क्योंकि इस सेगमेंट में आने वाली ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो कि कोई भी कंपनी आज तक इसको भी कम्पीट नहीं कर पाई है। हालांकि एक दो कंपनियों ने ट्राई ज़रूर किया पर इस गाड़ी को कम्पीट नहीं कर पाए हैं, और शायद यही रीज़न है इसके इतना ज़्यादा इसकी सेल होने का, क्योंकि लुक्स में भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है, फीचर्स भी काफ़ी ठीक ठाक ऑफर कर देती है, और कंफर्ट में मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है ये। अगर आपके घर में 6 से 7 लोग हैं और आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो कम बजट में आपके लिए 10 से 11 लाख में इससे बेटर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है जो कि आपके जेब पे भी भारी नहीं पड़ने वाली है। इंटीरियर भी अच्छा खासा मिल जाता है, और कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम देखने पर ऊपर से देखने पर प्रीमियम फील होता है, हालांकि नीचे प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी चीप क्वालिटी की लगती है, पर ठीक है, मारुति की दूसरी गाड़ियों से तो बहुत बेटर लगती है। इंडोर वगैरह भी काफ़ी हैवी है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे, ये आपको CNG का सिलेंडर मिलता है जो कि 10 kg का, बट इसमें प्रैक्टिकली 9 लीटर तक 9 kg आ जाती है, और इसको फिल कराने का ऑप्शन भी यहीं से दिया है जहाँ से नॉर्मल आपको पेट्रोल फिल कराना है यहीं से करा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका पेट्रोल वाला, और यहाँ से आप CNG करा सकते हो। तो अगर आप कंपनी फिटेड लेते हैं तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिल जाता है, अदरवाइज़ आपको बोनेट खोलना पड़ेगा हर टाइम CNG रिफिल कराने के लिए, और वो बहुत अच्छे से यहाँ से सेट किया गया है। यहाँ पे आपको बूस्ट स्पेस के लिए भी मिल जाएगा जो कि आपको 188 लीटर का बचता है सीट फोल्ड होने के बाद, और अगर सीट फोल्ड कर देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बूस्ट स्पेस मिल जाता है। अगर आपको नीड नहीं है थर्ड रो की तो आप एक्सेस मत करो, डाउन कर लो तो आपको अच्छा खासा बूस्ट स्पेस मिल जाएगा। वही मारुति का जो फेमस इंजन 1.5 लीटर का 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 103 PS की पावर और 138-140 के न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है, जो कि बहुत ही सही है। और यहीं पे आपको CNG की कंपनी फिटेड मिल जाती है, जिससे वायरिंग देखो एकदम से नीट एंड क्लीन है। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप कंपनी से डायरेक्ट कंपनी फिटेड CNG लेते हैं तो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। ये आपको गेज मिल जाएगा, ये आपको CNG की किट मिल जाएगी, और पीछे नीचे आपको कवरिंग नहीं दी है जो कि आई थिंक देनी चाहिए थी। और इंसुलेट की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा इंसुलेशन किया हुआ है गाड़ी को जो कि ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके की की, तो ये कुछ की मिलने वाली है आपको जो कि मारुति को यार सोचना चाहिए, 11 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहे हो आप तो कम से कम 1000 रुपये के लिए कॉस्ट कटिंग तो ना करें। और ये कोई की रिमोट की वो थोड़ा अच्छी यूनिक देने के लिए 1500 की बन जाती है, तो वो चीज़ सोचना चाहिए। सब गाड़ी में चाहे 6 लाख की गाड़ी ले लो, 3 लाख की गाड़ी ले लो, या 12 लाख की गाड़ी लो, मारुति में सबको यही की देते हैं, तो इसके बारे में सोचना चाहिए थोड़ा मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले थैंक यू सर हमें टाइम देने के लिए। तो आपने यही गाड़ी क्यों प्लान की, मतलब आपका बजट पहले से फिक्स था कुछ यही लेनी है, या फिर बाद में कुछ हुआ ऐसा? नहीं, मैंने 2-3 गाड़ियाँ देखी थी। ओके, लेकिन ये पेट्रोल और CNG दोनों देखी थी। हाँ ठीक है, लेकिन 1 लाख ज़्यादा था इसका। ओके, और क्या है कि CNG का प्रेफरेंस मैं पहले से करता हूँ, माइलेज वगैरह सही देती है गाड़ी। हाँ। और ये फुली फैमिली गाड़ी है, 7 सीटर है, और चलाने में भी बहुत कंफर्टेबल है। ओके, 1100 किलोमीटर मैंने चलाई है। हाँ हाँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ओके गाड़ी बहुत सही है गाड़ी। तो जो आपने 1100 किलोमीटर चलाई वो CNG पे चलाई है पेट्रोल पे? प्योर CNG पे ही। CNG पे माइलेज वगैरह कैसा है? माइलेज भी 23-24 किलोमीटर देती है गाड़ी। कोई लॉन्ग ट्रिप की है अभी? लॉन्ग ट्रिप की है मैंने। कहाँ पे? अंबाजी गया था। ओके, 200 किलोमीटर गया था, 200 किलोमीटर वापस। तो CNG रिफिलिंग कराने में ऐसा कोई रास्ते में कोई दिक्कत वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सभी जगह पे CNG सही से मिल रहा है। ओके, तो आपके फैमिली मेंबर मतलब 7 सीटर लाइक जितने हैं, या फिर किस वजह से गाड़ी प्रेफर की आपने? हाँ, 7 सीटर, 7 फैमिली मेंबर है। ओके, तो इसलिए आपको ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए। ओके,
कैसे घर वाले मतलब बैठते हैं तो कंफर्ट होते हैं पीछे थर्ड रो पे सेकंड रो पे सही से कंफर्टेबल हो जाते हैं। लगेज पीछे भी सही से तीन लोग बैठ सकते हैं। ओके हाँ, जिनकी हाइट कम हो तो वो आसानी से बैठ सकते हैं, आसानी से बैठ सकते हैं। बराबर, तो ओवरऑल आप इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा खुश हो? बहुत ज़्यादा खुश हो, तो इस गाड़ी से तो बहुत ज़्यादा खुश हो। ओके, तो अभी फाइनल बात कर लेते हैं कि आपको ये कितने में पड़ी थी और आपने क्या क्या एसेसरीज अलग से लगाई है, वो अलग अलग कोस्ट बताना, एसेसरीज की और गाड़ी की। एसेसरीज में मैंने एलो व्हील डलवाए हैं। हाँ, इसमें ओके एसेसरीज कुछ करवाई नहीं है, एलो व्हील मैंने प्रेफरेंस पहले से किया था। ओके, गाड़ी है इतनी बढ़िया तो मैंने एलो व्हील पहले नहीं, डेफिनेटली। ओके, तो गाड़ी की कॉस्टिंग क्या पड़ी? 11 लाख में। 11 लाख और एलो व्हील्स का? एलो व्हील्स वो सब उसके अंदर इंक्लूडेड, उसके अंदर ही मतलब 11 लाख में कंपनी, आपको अपने कंपनी से ही सब कुछ डील ली मतलब 11 लाख में कंप्लीट करके देने के लिए। ओके, तो और कोई भी एसेसरीज गाड़ी में नहीं है जैसा कि आप लोगों ने देखा, और नीलेश जी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इस गाड़ी से, बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनकी फैमिली भी बहुत हैप्पी है, 7 लोग हैं फैमिली में और उसकी वजह से उन्होंने 7 सीटर प्रेफर की, क्योंकि कहीं साथ में जाना हो तो ये गाड़ी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है और माइल जेब पे भी भारी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सीएनजी में है और सीएनजी का रेट ऑलरेडी पेट्रोल से आधा है और माइलेज भी काफ़ी अच्छी 23-24 तक की मिल जाती है, तो काफ़ी सही है। तो थैंक यू वेरी मच नीलेश जी, हमें टाइम देने के लिए और आपका ओपिनियन शेयर करने के लिए। तो और आपका कोई सजेशन है बायर्स के लिए, जैसे लेनी हो, आपका बजट हो? हाँ हाँ, और लेनी हो और आप बाद में सोच रहे हो तो बाद में सीएनजी करो इस बजट में, तो पहले से मैं ये कहूँगा कि ये कंपनी फिटेड ही सीएनजी ले। ओके, क्योंकि ये गाड़ी सही है चलाने में भी, पिकअप में भी, ओवरऑल गाड़ी बेस्ट है मेरे लिए। ओके, मतलब आपका कहना ये अगर लेनी है तो कंपनी फिटेड लो, ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, ज़्यादा बेटर कंपनी फिटेड लो तो ज़्यादा बेटर। हाँ, क्योंकि बाद में आपको आरसी पे चढ़वाना वगैरह ये सब सारी प्रॉब्लम दिक्कत होगी बाद में। तो मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ, अगर आप कोई ऐसी गाड़ी चूज़ कर रहे हो जो सीएनजी फिटेड ऑलरेडी आती है, थोड़ी सी महंगी पड़ेगी पर आपको कंप्लीट वहीं से शोरूम से ही होके मिलती है, ना आपको आरसी पे टेंशन रहेगी ये करवाना है वो करवाना है, ना ही कोई, जो भी गारंटी वारंटी होती है सब कंपनी ही देने वाली है। तो ये था हमारा अर्टिगा VXi CNG का ओनरशिप रिव्यू, और अगर आपको अर्टिगा VXi CNG का कंप्लीट रिव्यू देखना है तो आप लिंक पे जा सकते हो, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसका कंप्लीट रिव्यू, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा अर्टिगा VXi CNG का ओनरशिप रिव्यू, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।